हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच्चा प्यार किसे कहते हैं, आज की हमारी कहानी है। ये स्टोरी प्यार करने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। बी कॉम फाइनल ईयर में पढ़ने वाला राहुल अपनी क्लासमेट जिया से बहुत प्यार करता था। फाइनल ईयर में पहुंच जाने पर भी राहुल अब तक जिया से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। क्लासमेट होने की वजह से राहुल और जिया में बातचीत तो होती थी, लेकिन सिर्फ जरूरत भर की। राहुल बहुत ही शांत लड़का था, कॉलेज में भी उसके दोस्त बहुत कम थे। जिया को लेकर राहुल के मन में क्या फीलिंग थी, ये भी पूरे कॉलेज में सिर्फ उसके एक दोस्त श्याम को ही मालूम थी। श्याम अक्सर राहुल को ये कहा करता था कि वो जिया से अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल देता। कॉलेज के आखिरी दिनों में श्याम ने राहुल से कहा कि राहुल, अब कुछ दिनों में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, और अगर तुमने अभी जिया को अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। श्याम की ये बातें सुनकर राहुल भी इस बारे में सोचने लगा। एक दिन राहुल बड़ी हिम्मत करके जिया के पास पहुंचा और बोला, जिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जिया, हाँ राहुल, बोलो। राहुल थोड़ा डरा हुआ सा धीमी आवाज में बोलता है, जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया, क्या? राहुल थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से मैं तुमसे ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जब से मैंने तुम्हें देखा है और जाना है तब से तुम मेरी दुनिया बन गई हो। जिया तुम पागल हो गए हो। राहुल तुम होश में तो हो ना, तुम ये क्या कह रहे हो? राहुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ जिया मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया गुस्से में, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं समझती थी कि तुम बहुत सीधे हो, लेकिन तुम तो। जिया की ये बातें सुन राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राहुल वहाँ से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के कुछ दिनों बाद जिया आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन राहुल अब हमेशा जिया की याद में उदास रहने लगता है। 24 घंटे राहुल बस जिया को ही याद करता रहता है, उसकी मुस्कान, उसकी चलना, उसकी अदाएं और उसका वो इंकार। दुनिया भर के सामने राहुल बस अब अपनी झूठी मुस्कान ही दिखा पाता है। जिया को याद कर कर के राहुल का हाल दिन ब दिन खराब होती चला जाती है। फिर एक दिन जब राहुल के दोस्त श्याम को ये बात मालूम होती है कि राहुल ने जिया की याद में अपनी ये हालत बना ली है, तो वो राहुल के पास जाता है और पूछता है कि जब जिया तुमसे प्यार नहीं करती और अब वो दूर जा चुकी है तो तुमने उसकी वजह से अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? तुम अब भी उसे अपने दिल में क्यों बिठा रखे हो? तुम्हें कोई और भी मिल जाएगी। राहुल, श्याम हासिल करके तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करना ही तो असली प्यार है। मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। दोस्तों, सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें।